हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISNS। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से हाथ और पैरों की जलन के बारे में। अगर आप लोगों के हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, पैर सो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है जब आप सोते हैं, तो उस टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, या गर्मी के कारण आप लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तब आप लोग एक नुस्खे का प्रयोग करेंगे और वो आज मैं आप लोगों को घर पर ही बना करके बताऊंगी। अगर आप लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है और दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी आराम नहीं है, यहाँ तक कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है, फीवर है, उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान, और पैरों में तो इतनी ज़्यादा जलन होती है कि आप लोग कई बार तो रात भर सो भी नहीं पाते हैं, तो आज इस पैरों की जलन के लिए और पेट के परेशानी के लिए मैं आप लोगों को एक नुस्खा बताती हूँ, और वो बिल्कुल ही घर पर बनाना है। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को, देखिए ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा और इसका अच्छा उपयोग है। और क्या है ये चीज़? ये है गोंद कतीरा। जी हाँ, ये गोंद कतीरा है। ये इजीली कहाँ मिल जाता है आपको? पंसारी की शॉप पर मिल जाता है, लेकिन हर चीज़ को बनाने का अपना एक तरीका होता है, यूज़ करने का अपना एक तरीका होता है, नहीं तो वो इफ़ेक्ट करने की जगह साइड इफ़ेक्ट करने लगती है। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी ये गोंद कतीरा कैसे पीना है, उस तरीके से आप लोग अगर इस गोंद कतीरे का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे कि गर्मी की वजह से अगर आप लोगों को पेट में दर्द है, दूसरी चीज़ अगर आप लोगों को इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आप लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है, हाथ पैरों में जलन होती है, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, तब आप लोगों को इसका प्रयोग किस तरीके से करना है, कौन कौन इसका प्रयोग कर सकता है और किस समय इसका प्रयोग करें कि आप लोगों को इसका पूरा फायदा हो सके। तो आप लोगों को करना क्या है कि ये गोंद कतीरा इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये छोटी सी मटकी ली हुई है, इस मिट्टी के बर्तन में एक ग्लास पानी डाल लेना है और फिर आप लोगों को इसमें ये गोंद कतीरा डालना है। लेकिन इसकी जो, देखिए आप लोग देख रहे हैं कि ये जो गोंद कतीरा है ये काफ़ी मोटा आता है, तो इसको आप लोगों को मिक्सी में डाल करके और बारीक कर लेना है, पीस लेना है। अब इस पिसे हुए कतीरे में से आप लोगों को एक चम्मच कतीरा लेना है और जो ये मिट्टी की मटकी ली है मैंने, इसमें एक ग्लास पानी डाला है, उसमें एक चम्मच आप लोगों को ये कतीरा डाल देना है और ओवरनाइट के लिए इसको सोक करके रख देना है ढक करके। जब आप सुबह उठेंगे तब आप लोगों को ये एक जेल फॉर्म में दिखाई देगा, यानी कि ये इतना ज़्यादा फूलता है कि अगर आप एक ग्लास पानी में एक चम्मच कतीरा डालते हैं तो ये फूल करके और बहुत सारा जेली फॉर्म में आ जाता है। अब इसको बनाना कैसे है वो देखिए। इसको आप लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, एक ग्लास ठंडा पानी लीजिए और उसमें ये जो जेली फॉर्म में कतीरा है इसकी दो चम्मच मिक्स कर दीजिए और फिर उसके बाद इसमें मीठे के लिए आप लोग या तो खांड डाल सकते हैं जो कि पंसारे की दुकान से इजीली आप लोगों को मिल जाएगी, या फिर आप लोग इसमें जो मोटी मिश्री आती है जिसको हम सिरटा मिश्री कहते हैं, धागे वाली मिश्री कहते हैं, वो डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक तरीके से ये बन जाता है। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप लोगों को एक ग्लास ठंडा दूध लेना है और उसमें ये दो चम्मच जेली फॉर्म में जो कतीरा है वो मिला देना है और जो मीठा है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें डाल लीजिए। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसको लेना कब है, तो देखिए अभी गर्मियां हैं तो इसलिए आप इसको सुबह
बेड टी के रूप में भी ले सकते हैं, नाश्ते के समय में भी ले सकते हैं, और इसको दोपहर को जब आप चाय का टाइम होता है उस टाइम भी ले सकते हैं चाय की जगह पर, और रात के टाइम खाना खाने के बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन रात के समय इसका सेवन करना उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है जितना इसका सेवन सुबह के समय करना लाभदायक होता है। और इसका सेवन कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये गोंद कतीरा आप लोगों को इतने सारे बेनिफिट्स देगा। साथ ही अगर आप लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो इसका प्रयोग कम करें। क्यों? क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और इसमें फोलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इसलिए इसका प्रयोग थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा। बाकी ये बहुत ही अच्छी और पुरानी आयुर्वेदिक दवा कह लीजिए या देसी नुस्खा कह लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।